नैना देवी विधानसभा के अंतर्गत बहल क्षेत्र की चिकनी खड्ड पर एक गत साल से पहले हुई बरसात में बहा हुआ पुल एक साल बाद भी नहीं बन सका, जिसके कारण उक्त सड़क पर पड़ने वाली पंचायतों बेहल कोड़बाला द्रोट की हजारों की आबादी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने विभाग व प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही इस पुल का निर्माण करवाया जाए। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बहल क्षेत्र की चिकनी खड्ड में गत एक साल पहले हुई बरसात में बहा हुआ पुल एक साल बाद बन नहीं सका है, जिस कारण उक्त सड़क पर पड़ने वाली चार पंचायतों बहल कौड़ावाला धरोट की हजारों की आबादी को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि गत एक साल पहले नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न इलाकों में हुई भयंकर बरसात के कारण उक्त पुल बारिश में बह गया था। तब उस समय लोक निर्माण विभाग ने हालांकि बह चुके उक्त पुल के भीतर मिट्टी व पत्थर भरकर इसे पूरा कर दिया था और इसके बाद वाहन की आवाजाही शुरू कर दी थी। यहां के लोग पुल ना बनने से काफी मायूस हैं। पुल ना बनने से बरसात के दिनों में कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि दो पहिया वाहन इस टूटे हुए पुल से गुजर रहे हैं, जो आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। अब यहाँ के लोगों ने विभाग और प्रशासन से मांग की है कि शीघ्र ही पुल का निर्माण करवाया जाए। दोपहर के बाद तो ऐसे गाड़ियां ऐसे आती जाती रही, उसके बाद आई पी डोल ये शाम को डाल के गई थी, तब बंद किया उन्होंने। हादसा कभी भी अभी भी हादसा हो सकता है, अभी कौन से उन्होंने प्रॉपर तरीके से तो भी बंद नहीं किया है। कोई भी आ जा रहा है गिर जाए, कोई बच्चा आ रहा छोटा वो गिर सकता है, कुछ भी हादसा हो सकता है, बड़ी घटना हो सकती है, यही है। खाना दे रहा आ रहा है कोई तो कैसे आ जाएगा। व्हीकल जाते हैं जो भी ट्रक वगैरह, वो सारे इसको खराब कर देते हैं, तो दिक्कत आती है, लोगों को परे से आना पड़ता है, और अगर बारिश वगैरह हुई तो वो रास्ता भी खराब हो जाएगा। और जैसे यहाँ पुल टूट चुका है तो गाड़ी वगैरह वाले कैसे जाएंगे, ठीक है। और ये तो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पंजाब वाले ठीक करेंगे ना हिमाचल वाले, तो मतलब ये पुल तो बिल्कुल ठीक होना चाहिए, ताकि जैसे हम लोकल है हमें आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। रोड जाता है ना, ये इसमें आवाजाही तो बहुत है, ये बिलासपुर तक के आदमी जाते हैं यहाँ पर। ये पिछले वर्ष गिरा था बरसात के दिनों में, वहाँ से बाया मतलब दौलवाड़ होके ना ये मतलब पंजाब से गुजरना पड़ता है, कोई 10-15 किलोमीटर की हमने कवरेज करनी पड़ती है, तब लोग ड्यूटी के ऊपर पहुँचते हैं। बच्चों का बुरा हाल है, मैं पहले वर्ष मैं भी यहाँ साइकिल पे ऊपर आया था, मैं यहाँ से वापस हुआ बारिश के दिनों में ही, तो फिर दौलवाड़ बाया यहाँ से गया पंजाब से होके, तब मैं ड्यूटी पर पहुँचा। अब देखो पहले यहाँ ड्रम खड़े कर दिया, फिर मिट्टी डाल दी गई, ये फिर गिर गया, एक क्रॉसिंग की हुई सिर्फ ओनली एक गाड़ी की। अब देखो पहली बारिश पड़ी, देखो फिर गिर गया, यहाँ को यात्रियों पर गार जाते हैं ना, सरकार खरगोश की नहीं सोई हुई है, कोई पूछता नहीं गिनता नहीं। जी मैं वंदना धीमान गांव बहर की रहने वाली हूँ, मैं यहाँ पे माता नान की चैरिटेबल हॉस्पिटल में जॉब करती हूँ, और मेरा यहाँ से ही आना जाना है। सुबह 9 बजे जाती हूँ, शाम को 5 बजे आती हूँ, और मतलब करीबन कल से ऐसा ही मौसम है यहाँ पर, और मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। पिछले एक साल से सरकार कुछ यहाँ नहीं कर रही है, बल्कि इनको ऐसा करना चाहिए कि हम यहीं से जाते हैं, जो दूसरा रास्ता है वो बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, इसलिए हमें दिक्कत होती है, हम कुछ भी हो सकते हैं, यहाँ से नीचे गिर सकते हैं। इसलिए मैं ऐसा ही बोलना चाहती हूँ सरकार को कि अच्छी सरकार आई है, जल्दी से जल्दी कृपया इसको ठीक करे, वरना हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा।